हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आ चुकी हूँ आपके लिए 200 गज का बहुत ही शानदार घर लेके, जो कि रहने वाला है हमारा 3 साइड ओपन। बैक साइड पे इसके पार्क रहने वाला है, 3 साइड ये ओपन रहने वाला है, कॉर्नर की एक कोठी रहने वाली है। सबसे पहले आप यहाँ पे पार्किंग स्पेस देख सकते हैं, आराम से जो है आपकी 4 गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हो जाएंगी। कॉर्नर की कोठी, आइए एक बार मैं इसको बैक साइड से आपको दिखा देती हूँ। एलिवेशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा एलिवेशन हो रखा है। 3 साइड से जो है हमने यहाँ पे ग्रिलिंग करी हुई है बिल्कुल यहाँ पे, और बैक साइड पे आप पार्क देख सकते हैं, आपका ग्रीन एरिया आ जाता है बैक साइड पे। बैक बालकनी के लिए जो है ए गेट हम यहाँ से आपको दे रहे हैं, जो कि आपका वॉशिंग एरिया रहने वाला है। पार्किंग आप एक बार फिर से देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे आपका टेक्सचर पेंट आ जाता है, मिरर वर्क यहाँ पे कंप्लीट आपका हो रखा है, ग्लास वर्क आप देख सकते हैं बिल्कुल कंप्लीट हाइट तक। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लोकेशन की बात करूँ, ये लोकेशन रहने वाली है सेक्टर 125 में, नियर जलवायु टावर्स ये आपकी कोठी रहने वाली है। बहुत ही शानदार तरीके से जिसे रेडी किया गया है। इसमें जो है आपको 4 बेडरूम्स मिल जाएंगे, एक आपको पूजा रूम मिल जाएगा और सर्वेंट रूम मिल जाएगा। ये आ जाता है आपका फ्रंट एलिवेशन, यहाँ पे टाइल वर्क आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर टाइल वर्क यहाँ पे किया गया है, टेक्सचर पे पेंट यहाँ पे सारा हो रखा है। यहाँ पे आ जाती है आपकी एंट्री, ये रहेगा आपका फ्रंट गेट। यहाँ पे ग्रेनाइट वर्क जो है कंप्लीट आपको नीचे मिलने वाला है। यहाँ पे 2 गाड़ियाँ आपकी यहाँ पे आराम से पार्क हो सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट वुडन टाइल लगी हुई है, फ्रंट पे वुडन सारा। तो आइए अभी चलते हैं घर के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे आप मैश डोर देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा मैश डोर हम आपको लगा के दे रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पे आ जाता है आपका वुडन का डोर, 8 फिट का जो है काफ़ी बड़ा हम आपको डोर लगा के दे रहे हैं। एंट्री कर लेते हैं। एंट्री करते ही सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे कंप्लीट आपको वुडन वर्क मिलने वाला है। इंटरनल स्टेयर्स आपकी रहने वाली है यहाँ पे, इस साइड भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है आपका पाउडर रूम, उसके साथ यहाँ पे आ जाता है आपका लिविंग एरिया। काफी बड़ी विंडो जो है हम आपको यहाँ पे लगा के दे रहे हैं विद ग्लास, जो कि रहने वाला है मैश विंडो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। प्रोफाइल लाइट्स आपको मिलने वाली है, वुडन वर्क आप देख सकते हैं। LED लाइट्स हम आपको लगा के दे रहे हैं। फॉल सीलिंग एज इट इज़ रहने वाली है, यहाँ पे आप वुडन वर्क और फॉल सीलिंग देख सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे आ जाता है आपका डाइनिंग एरिया, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस जो कि रहने वाला है। यहाँ पे स्टोरेज के लिए जो है आपको कैबिनेट्स बना के दिए जा रहे हैं। उसके साथ ही बिल्कुल सामने यहाँ पे देख सकते हैं आपका LED पैनल आ जाता है, ये रहेगा आपका LED पैनल, कंप्लीट वुडन वर्क आपको मिल रहा है यहाँ पे। उसके साथ ही यहाँ पे आपको स्टोरेज के लिए हम बना के दे रहे हैं, वुडन का सारा कंप्लीट वर्क रहने वाला है। फॉल सीलिंग बहुत ही सुंदर हम आपको करके दे रहे हैं यहाँ पे। लूबर्स जो है कंप्लीट आपको मिलने वाली है यहाँ पे। उसके साथ ही यहाँ पे आ जाता है आपका क्रॉकरी सेक्शन, और ये रहेगा आपका मॉड्यूलर किचन, बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन के साथ आपका मॉड्यूलर किचन रहने वाला है। बिल्कुल सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपके कैबिनेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। फुल हाइट के जो है हम आपको यहाँ पे लगा के दे रहे हैं सारे कैबिनेट्स। उसके साथ ही यहाँ पे जो है डबल साइड सिंक आप किया जाती है, जो कि साउंड प्रूफ रहने वाली है। उसके साथ यहाँ पे जो है सेरा की हम आपको टैप्स लगा के दे रहे हैं, जो कि मूवेबल रहने वाली है। अभी मैं लेके चलती हूँ आपको आपके फर्स्ट बेडरूम की ओर। बेडरूम में एंटर करने से सबसे पहले आप वुडन का वर्क देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर वुडन का वर्क यहाँ पे हो रखा है। ये आ जाता है आपका बेडरूम, यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से जो है रूम को डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे बेड के पीछे आप देख सकते हैं कितना अच्छा वर्क करके दे रहे हैं हम आपको। उसके साथ ही यहाँ पे आ जाते हैं आपके स्लाइडर कैबिनेट्स, स्लाइडर कपबोर्ड्स आपके रहने वाले हैं, जो कि फुल हाइट के आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही सुंदर फॉल सीलिंग हो रखी है, जो कि विद प्रोफाइल लाइट और LED लाइट आपको दे रहे हैं। इस साइड आ जाता है आपका काफ़ी बड़ा LED पैनल। उसके साथ यहाँ पे आपको विंडो मिल रही है, अटैच आपका वॉशरूम रहने वाला है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस जो है वॉशरूम रहने वाले हैं, फुल हाइट की टाइल्स रहने वाली है। इवन हम फॉल सीलिंग जो है वो भी आपको वॉशरूम में करके दे रहे हैं। अभी लेके चलती हूँ आपको आपके सेकेंड बेडरूम की ओर।
ये रहेगा सेकंड बेडरूम यहाँ पे। सबसे पहले मिरर वर्क आप देख सकते हैं एलईडी पैनल के साथ हम आपको करके दे रहे हैं। यहाँ पे बैक साइड पे आ जाता है आपका वॉशिंग एरिया, काफ़ी बड़ी विंडो हम आपको लगा के दे रहे हैं। बेड के पीछे का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर करके दे रहे हैं हम आपको। फॉल सीलिंग रहने वाली है आपकी। उसके बाद इस स्लाइडर जो है आपके कपबोर्ड्स आ जाते हैं फुल हाइट के। वॉशरूम आपका अटैच रहने वाला है। ड्रेसिंग एरिया यहाँ पे आपको हम अलग से दे रहे हैं। उसके साथ यहाँ पे आ जाता है आपका वॉशरूम एरिया। वॉशरूम जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस रहने वाले हैं, फुल हाइट की टाइल्स रहने वाली हैं, सारी ब्रांडेड फिटिंग आपको करके दे रहे हैं। उसके बाद मैं आपको वॉशिंग एरिया एक बार दिखा देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा जो है वॉशिंग एरिया आपका स्पेशियस रहने वाला है। टैप्स हम आपको लगा के दे रहे हैं यहाँ पे। एक बार वॉशिंग एरिया आप देख सकते हैं जो कि आपकी कॉर्नर के साथ भी रहने वाला है कनेक्टेड। तो ये तो था आपका जो कि ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है आपका 2 BHK कंप्लीट। इंटरनल स्टेयर्स यहाँ पे रहने वाली हैं। लाइट्स हम आपको लगा के दे रहे हैं यहाँ पे। ग्लास वर्क आप देख सकते हैं कंप्लीट फुल हाइट का आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एंट्री कर जाते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की ओर। सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाता है आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया, काफ़ी ज़्यादा जो कि स्पेशियस रहने वाला है। फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर फॉल सीलिंग हम आपको करके दे रहे हैं यहाँ पे। उसके साथ यहाँ पे आ जाता है आपका थर्ड बेडरूम। सनलाइट आप जैसा कि देख रहे हैं डायरेक्ट जो है आपके रूम्स के अंदर आ रही है यहाँ पे। फॉल सीलिंग आपको एज इट इज़ मिल रही है। और इस साइड पे आ जाता है आपका ड्रेसिंग एरिया, कपबोर्ड्स एरिया, कपबोर्ड्स आपको फुल हाइट के मिल रही है। वॉशरूम यहाँ पे आपके अटैच रहने वाले हैं। फ्रंट बालकनी आपको दिखा देती हूँ। ये रहने वाली आपकी फ्रंट बालकनी, वुडन की आपको सारी फ्लोरिंग यहाँ पे मिलने वाली है। वॉल पे आप देख सकते हैं टाइल्स आपको कंप्लीट मिलने वाली हैं यहाँ पे। उसके बाद आप एक वुडन का वर्क देख सकते हैं छत पे विद लाइट्स जो कि हो रखा है। कॉर्नर की कोठी है, कॉर्नर तक आपको यहाँ पे मिल रही है बालकनी आपकी, काफ़ी ज़्यादा जो कि स्पेशियस रहने वाली है। अभी दिखा देती हूँ आपको आपका फोर्थ बेडरूम। बिल्कुल सामने ये रहेगा आपका फोर्थ बेडरूम। रूम साइज जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस रहने वाले हैं। कपबोर्ड्स आप देख सकते हैं फुल हाइट के रहने वाले हैं। फॉल सीलिंग, एलईडी पैनल काफ़ी बड़ा हम आपको लगा के दे रहे हैं यहाँ पे। वॉशरूम अटैच रहने वाले हैं। फुल हाइट की जो है टाइल्स यहाँ पर रहने वाली है, काफ़ी जो है स्पेशियस यहाँ पर आपके वॉशरूम्स रहने वाले हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आ जाती है आपकी किचन। ये आ जाती है किचन यहाँ पे आपकी। यहाँ पे हम आपको अलग से जो है स्टोर रूम बना के दे रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पे जो है ये आ जाती है बैक साइड पे फिर से बालकनी आपकी। और यहाँ पे आ जाता है आपका अलग से स्टोर रूम। ये आ जाता है स्टोर रूम आपका। लाइट्स वगैरह हमने सारी यहाँ पे लगाई हुई है। बैक साइड की बालकनी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस और काफ़ी बड़ी रहने वाली है यहाँ पे। तो ये तो था जो कि हमारा फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है 2 BHK कंप्लीट। इसके बाद जो है हम आपको सर्वेंट रूम भी दे रहे हैं। आइए अभी चलते हैं अपने सेकंड फ्लोर की ओर। इंटरनल स्टेयर्स रहने वाली हैं यहाँ पे भी। ये आ जाता है आपका सर्वेंट रूम यहाँ पे। कंप्लीट आपको सर्वेंट रूम हम यहाँ पे दे रहे हैं। वॉशरूम जो है बिल्कुल सामने आ जाता है यहाँ पे। ये रहेगा वॉशरूम यहाँ पे सामने। बैक साइड पे आ जाता है आपका टेरेस एरिया। ये रहेगा टेरेस यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कॉर्नर की कोठी है, तो एक बार आप आसपास देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे रह रहे हैं। रिहायशी एरिया है यहाँ पे सारा। बैक साइड पे आपको मैंने पार्क बताया था यहाँ पे। ये बैक साइड पे पार्क आ जाता है आपका, बिल्कुल सामने यहाँ पे पार्क आ जाता है आपका लेफ्ट साइड पे भी। 3 साइड ये ओपन रहने वाला है जैसा कि मैंने आपको बताया था। सनिंग क्लेव सेक्टर 125 है। 200 गज का जो है ये घर रहने वाला है आपका, जो कि 4 BHK रहने वाला। तो ये थी आपकी 200 गज की कोठी जो कि कॉर्नर और 3 साइड ओपन। 6 से 7 गाड़ियाँ जो है आपकी यहाँ पे आराम से पार्क हो जाएंगी। सेक्टर 125 है, नियर जलवायु टावर है, बिल्कुल फ्रंट पॉकेट पे आपकी कोठी रहने वाली है।
200 गज जैसा कि मैंने आपको बताया। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे कॉल करें। थैंक यू सो मच।